इसमें यूपी बोर्ड की क्लास दस यानी कि 10वीं के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इसमें बेसिकली ये एक्सरसाइज महत्तम समापवर्तक यानी कि SCF से रिलेटेड है। इसमें पहला प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेसिकली है, और ये 2010 में भी आया है और ये 2012 में भी आया है। देखते हैं। यहाँ पर दो समीकरण हैं, x³ माइनस एक्स एंड 3 × x माइनस 1। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं यानी कि इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। x³ माइनस एक्स, इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर एक्स, तो यहाँ x² माइनस 1। यहाँ पर x² माइनस 1 की स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1² यानी कि 1² = 1 × 1 होता है और 1 × 1 = 1 होता है। ठीक है। यहाँ पर इसे x, अब ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा, a² - b² होता है a+b एंड a - b। ठीक है। यहाँ पर यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है। यहाँ पर x+1 एंड x - 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 3x - 1। SCF यानी कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो फैक्टर, जो अपवर्तक दोनों ही समीकरण में हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन इसमें और इस वाले समीकरण में क्या कॉमन है। आप देख सकते हो यहाँ पर x-1 इसमें भी है और x-1 इसमें भी है। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा x-1। आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। a-b a² + ab + b² ठीक है। यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है, राइट। यहाँ पर x-1 हो जाएगा। अब a² यानी कि x² + ab यानी कि x·1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। स्क्वायर के सॉल्व करते हैं। x-1 तो हो गया, ये x² + x·1 = x + 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है। ये यहाँ पर x³ - 1 का फैक्टर यहाँ पर निकला है यानी कि गुणनखंड। ठीक है। अब आगे इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो x⁴ + x² + 1 ठीक है। यहाँ पर x⁴ प्लस यहाँ पर 2x² में जोड़ देता हूँ। ठीक है। x² + x² + 1। अब अगर मैंने यहाँ पर x² जोड़ा है तो फिर मुझे घटाना भी होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि x² से x² ये कट जाएगा, यही बचेगा। इसलिए जो भी आप जोड़ते हैं किसी भी समीकरण के साथ में, उतना ही आपको घटाना भी होगा, ध्यान रखें इस बात का। यहाँ पर हो जाएगा x
टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab रखेंगे इसको, 2 इंटू ए के स्थान पर हो गया ये एक्स स्क्वायर इंटू बी के स्थान पर हो गया ये 1 एंड बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस। मैं आपको बताऊंगा कि ये समीकरण असल में है क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। सो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। सो यहाँ आप देख सकते हो a के स्थान पर एक्स स्क्वायर है और b के स्थान पर यहाँ पर 1 है, राइट right? ये वाला 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर चल रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a के स्थान पर एक्स स्क्वायर है और b के स्थान पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से यही फॉर्मूला, इसको आप a मान सकते हो और इसको b मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्म इसमें आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म इसमें आप देख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। सो यही वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हो, उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, सो अब आपको इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में क्या कॉमन है दोनों ही व्यंजकों में, यानी कि इस वाले में और इस वाले में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन दोनों ही व्यंजकों का गुणनखंड है, एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आपको ये शब्द लिखना जरूरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों ही व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये आंसर है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो यहाँ पर 2 यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, और इसमें 3 इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो अब दोनों व्यंजकों में क्या उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों ही व्यंजकों में मौजूद है, एक माइनस भी इसमें भी है और इसमें भी है। सो आपको लिखना है क्योंकि क्योंकि एक माइनस बी
दोनों व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए a माइनस बी टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 a³ माइनस b³ का महत्तम समापवर्तक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और ये 2000 सॉरी ये किसी भी सन में नहीं आया है। सो आप नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, 3c ए प्लस बी 6c ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड 9c b ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, 3c a+b। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 6c a ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 6c a, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 9c b और ए प्लस बी को देख लेते हैं, सॉरी इसको भी हम थोड़ा आगे और सॉल्व कर सकते हैं। 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और ये c a a+b एंड a प्लस बी। ठीक है, अब तीसरे वाले समीकरण को ले लेते हैं, 9c b a+b, ये ऑलरेडी सॉल्वड है, बस 9 का हम फैक्टर निकाल सकते हैं, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, सी बी और ए प्लस बी। अब तीनों ही समीकरण में क्या कॉमन है आपको देखना है। सबसे पहले 3 इसमें देख सकते हो, 3 इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तीनों ही व्यंजकों में वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, सो मासा इज इक्वल टू आप लिख लो 3 × अब इसमें देखो सी इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो सी भी लिख सकता हूँ मैं, बाकी कोई चीज़ें इसमें ए प्लस बी इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी ए प्लस बी है, सो इसमें ए प्लस बी भी मैं इसमें लिख सकता हूँ। सो इसमें इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि मास आ जाएगा 3c a+b। तो आपको लिखना है चूंकि, ये चूंकि का साइन होता है, 3c a+b तीनों ही व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए थ्री सी ए प्लस बी कॉमा 6c a a+b का होल ऑफ स्क्वायर कॉमा, या और लिख सकते हैं, और 9c b a+b का महत्तम समापवर्तक 3c a+b है। इतना आपको एग्जाम में लिखना है, इतना। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2007 में ये आया हुआ है। सो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने इसमें सॉल्व किया है, आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।